अभी ये बाबर और शाहीन की कप्तानी के वाले से बहुत ज्यादा बात हो रही है, बतौर मीडिया पर्सन हम सब ये समझते हैं कि मामले को अच्छी तरह हैंडल नहीं किया गया। सेम आपके साथ भी हुआ था कि आउट ऑफ 37 यू हैव वन 29 मैचेस, और जिस तरह आपको कप्तानी साथ आया, एक आम आदमी का दिल फिर टूटा उस वक्त के सरफराज को कप्तानी साथ आ दिया इस अचीवमेंट पे। सरफराज की क्या फीलिंग थी उस वक्त जब मुझे कप्तानी साथ आया? देखिए ऑब्वियसली मुझे पता तो चल गया था कि क्या हो रहा है, क्योंकि कप्तानी से तो खैर बाद में आया था, लेकिन जो मामला हुए थे उस वक्त पता चल गया था। तो ऐसे कुछ आपको पता चल जाता है तो आप बंदा टीम ताबून नहीं कर रही थी? नहीं 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 नहीं, टीम के तो कोई बोर्ड के मसाइल थे? नहीं ऑब्वियसली बोर्ड के मसाइल नहीं, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाता है। आपको पता है हर चीज़ तो आजकल मीडिया में आ जाती है, तो आपको रियलाइज हो जाता है कि भाई के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं था, ऑब्वियसली वो वसीम खान साहब आए थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, मैंने कहा जी ठीक है जी जैसा आपकी मर्जी। तो ऐसे कोई परेशानी नहीं अली भाई, और अल्लाह ताला का शुक्र, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे दिमाग में शुरू से ये था कि चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं चलेंगी, चीज़ें आती जाती है नहीं, तो हम उस चीज़ के लिए तैयार थे बिल्कुल। और जब कैप्टन थे या खेल भी रहे थे तो उस जगह पे लेके ही नहीं गए अपने आप को कि बाद में कभी परेशानी का सामना करना पड़े। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कभी ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई, और ड्रॉप हुए फ़ौरन डोमेस्टिक के मैचेस खेले, T20 टूर्नामेंट था, फॉरन जाके अपनी टीम को पार्टिसिपेट किया, सिंध से खेल लेते, उसके बाद फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट हुआ, वो खेलना मुझे याद है कि आप स्टेट बैंक में भी आप आगे रनिंग वगैरह बिल्कुल, तो वो कभी भी ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं रही, और अल्लाह ताला का शुक्र है अपने क्रिकेट को एंजॉय करने और आगे भी एंजॉय करते रहेंगे। ऑलराइट, अच्छा अब ये जो कप्तानी का चल रहा है, बाबर शाहीन को सिर्फ 5 मैचेस के बाद हटा दिया, आपको बतौर कप्तान क्या लगता है, क्या लंबा रन देना चाहिए था? 5 मैचेस तो कुछ भी नहीं होते किसी का फैसला करने के लिए। देखिए अब तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ अली भाई अब तो ये फैसला हो गया, ऑब्वियसली देखें किसी भी खिलाड़ी के लिए कैप्टन के लिए बहुत नहीं, मैंने ये सवाल नहीं किया, मैं सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं 5 मैचेस की बुनियाद पर वही मैं बात कर रहा था, मुश्किल जरूर होता है किसी भी जो है ना वो कैप्टन्स के लिए, कि ऑब्वियसली इसको कम अपॉर्चुनिटी मिली होती है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि देखें अब ये PCB का है कि PCB देखें वो जिस जगह पे बैठे हैं उनको पता है कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर कर सकता है कौन बेहतर नहीं कर सकता। ऑब्वियसली उनकी कोई सोच होगी, जो भी उनकी सिलेक्शन कमेटी है, तो आपको पता है कि उन्होंने जो भी अपनी राय दी होगी वो सोच समझ के दी होगी, बहुत सारे सीनियर प्लेयर जो हैं वो सेशन कमेटी में मौजूद है। आई थिंक अब देखें जो भी फैसला हो गया, आई थिंक हमें अब उसको बैक करना चाहिए, और जैसे बाबर आजम कैप्टन बने हैं अब उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, और उनको हमें गुड लक कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए आगे जो वर्ल्ड कप आने वाला है या जो भी सीरीज है एक बेहतरीन टीम तैयार करें और पाकिस्तान टीम के लिए विक्ट्रीज हासिल करें। क्या चांसेस है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के? देखें अभी तो मुझे टीम बहुत सॉलिड नज़र आ रही है बनती हुई, क्योंकि जो आमिर की वापसी हुई है, इमाद की वापसी हुई है, तो मुझे अब तो टीम जो है बहुत सॉलिड नज़र आ रही है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बहुत बेहतर आएंगे। ठीक।